गैलेक्सी S8 और S8 प्लस तो लॉन्च हो चुका है और कई सारे लीक्स के बाद फाइनली अब सारी जानकारियां आधिकारिक तौर पर सामने आ चुकी हैं। काफ़ी दिनों से लोगों को भी इसका इंतज़ार था और सच में अब डिवाइस के डिज़ाइन और फीचर्स में कई सारे इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। तो गैलेक्सी S8 और S8 प्लस लुक्स में भी 2017 का सबसे बेहतरीन और फ्यूचरिस्टिक स्मार्टफोन लगता है। मार्केट में भी इस डिवाइस के रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं, पर हाँ कुछ बातें निराश करने वाली भी हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको गैलेक्सी S8 और S8 प्लस से जुड़ी 5 डिसअपॉइंटिंग फीचर्स के बारे में बताएंगे, जिनका जानना आपके लिए भी ज़रूरी है। तो मैं हूँ विभा और दरोगाजी.com पर आप सबका स्वागत है। गैलेक्सी S8 के कैमरा के बाजू में फिंगरप्रिंट सेंसर का प्लेसमेंट लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। सैमसंग के इस डिसीजन से सैमसंग फैंस नाराज हैं। हाँ, सैमसंग ने कुछ शायद अलग करने का सोचा होगा, पर सवाल ये है कि लोग अपने हाथों से तो लगभग स्मार्टफोन को हर जगह छुएंगे, तो कैमरा के बाजू में फिंगरप्रिंट सेंसर होने से प्रॉब्लम क्यों होगी? तो बात यह है कि कैमरा के बाजू में फिंगरप्रिंट सेंसर होने से लोग बार बार न केवल उंगली से कैमरा लेंस को धूमिल करेंगे, बल्कि उंगलियों को सेंसर तक पहुंचने के लिए भी ये एक मुश्किल जगह है, खासकर जब आप स्क्रीन को फेस कर रहे होंगे। उंगलियों को स्ट्रेच भी करना पड़ सकता है, तो यहाँ आपको कैमरा और सेंसर के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। पर अब यूजर्स को इसकी आदत डालनी पड़ेगी और आजकल वैसे भी सब इतनी जल्दी में होते हैं, तो फिंगरप्रिंट सेंसर का प्लेसमेंट मुश्किल जगह पर होना एक स्मार्ट डिसीजन नहीं लगता है। सिर्फ 3000 mAh की बैटरी, जी हाँ, यहाँ ये भी एक डिसअपॉइंटिंग फीचर है और एक क्वेश्चन मार्क भी है। गैलेक्सी S8 में 3000 mAh की बैटरी है और गैलेक्सी S8 प्लस में 3500 mAh की बैटरी दी गई है। बैटरी हर स्मार्टफोन का बड़ा पार्ट है और हर कोई हाई एंड डिवाइसेस में बड़ी बैटरी की उम्मीद करता है। गैलेक्सी S8 की बैटरी साइज LG G6, Nexus 6P, OnePlus 3T और Pixel XL से भी कम है, और इसकी वजह से गैलेक्सी S8 से कस्टमर क्रॉस शॉप करके इन डिवाइसेस को खरीद सकते हैं। वैसे पिछले साल नोट 7 के साथ जो हुआ, शायद उस वजह से सैमसंग ने बैटरी के लिए ये डिसीजन लिया होगा, पर किसी भी डिवाइस का डिस्प्ले पार्ट सबसे ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। गैलेक्सी S8 में 5.8 इंच का बड़ा डिस्प्ले है, वहीं S8 प्लस में 6.2 इंच का बड़ा डिस्प्ले है। तो 3000 mAh की बैटरी 5.8 इंच डिस्प्ले वाले डिवाइस के लिए और 3500 mAh की बैटरी 6.2 इंच स्क्रीन वाले डिवाइस के लिए शायद ज्यादा बैकअप नहीं दे पाएगी। यहाँ स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर कम पावर कंजम्पशन के लिए मदद करेगा, पर हमें लगता है शायद ही ये बैटरी फुल डे का बैकअप दे पाएगी। अगर आप सैमसंग का ये फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप एक बड़ा अमाउंट खर्च करने जा रहे हैं, और माना जा रहा है कि गैलेक्सी S8 की प्राइस कम से कम $720 से $750 तक, यानी करीब ₹46,700 से ₹48,700 तक हो सकती है, और S8 प्लस की प्राइस $840 से $850 यानी करीब ₹54,500 से ₹55,200 के बीच होगी, जो कि कम अमाउंट नहीं है। पर अच्छी खबर ये है कि जो लोग गैलेक्सी S8 व S8 प्लस के लिए प्री ऑर्डर बुकिंग करेंगे, उन्हें गियर VR और कंट्रोलर फ्री मिलेगा, जिसकी कीमत $170 यानी कि करीब ₹11,000 की है। तो ये एक महंगा डिवाइस है और इंडिया में लोग प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं, पर इस प्राइस रेंज में भी सैमसंग फैन इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सैमसंग गैलेक्सी S7 का कैमरा शानदार था और सैमसंग गैलेक्सी S8 में भी सेम वही सेंसर दिया है, तो यहाँ कैमरा पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग नहीं है। गैलेक्सी S8 में भी 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा व 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है, पर जैसे गूगल अपने पिक्सल स्मार्टफोन के कैमरा के साथ और भी बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि काफ़ी यूजर्स को पिक्सल की कैमरा क्वालिटी ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, उसी तरह सैमसंग भी कैमरा में कुछ नया फीचर ला सकता था। तो सवाल ये है कि क्या गैलेक्सी S8 के कैमरा में कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुई है? वैसे सैमसंग कंपनी का कहना है कि गैलेक्सी S8 के सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छे बदलाव हुए हैं, जो कैमरा क्वालिटी और उससे ली गई तस्वीरों को ज़्यादा आकर्षक बनाएगा, और इस बात पर विश्वास भी कर सकते हैं क्योंकि सैमसंग कंपनी मार्केट में बेहतरीन कैमरा देने वाली कंपनीज में से एक है। पर अगर पिक्चर्स उतनी अच्छी नहीं आती है तो कहा जा सकता है कि कैमरा पार्ट में सैमसंग ने यह मौका खो दिया, और आईफोन व गूगल जैसी कंपनियां इस बात का फायदा उठा सकते हैं और आने वाले स्मार्टफोन्स में अच्छे फीचर्स वाले कैमरा देखने मिलेंगे। दोस्तों, आजकल ज़्यादातर टॉप स्मार्टफोन 4GB रैम के साथ आते हैं और सैमसंग गैलेक्सी S8 में भी 4GB की रैम है, तो ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी S8 पीछे रह गया है, और अब एंड्रॉयड भी बैकग्राउंड ऐप रनिंग और एक्टिविटीज़ को बंद करने के लिए सक्षम है, जिसे गूगल एंड्रॉयड O में और भी इम्प्रूव करने का प्लान कर रहा है। पर हमने कम प्राइस रेंज में भी कई सारे 6GB रैम स्मार्टफोन देखे हैं, तो यहाँ सैमसंग को प्राइस स्टैंडर्ड के हिसाब से रैम बड़ी रखनी चाहिए थी। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग स्मार्टफोन का यूज़ कई सारे टास्क जैसे फोटो एडिटिंग,
वीडियो शूटिंग, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, ईमेल जैसे कामों के लिए करते हैं, तो 6GB की रैम अच्छा फीचर होने के साथ ही डिवाइस को उसके कंपटीटर से भी अलग करता है। हालांकि एसेट प्लस मॉडल में 6GB रैम दी गई है, पर अगर एसेट में भी 4GB की जगह 6GB रैम होती तो ज़्यादा अच्छी बात होती। यहाँ स्नैपड्रैगन 835 का इस्तेमाल हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और ये सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है। पर अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि इंडिया में बिकने वाले गैलेक्सी एसेट में सैमसंग का एक्सिनॉस 8895 प्रोसेसर होगा, ना कि स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर। तो ये 835 प्रोसेसर सिर्फ US में बिकने वाले गैलेक्सी एसेट डिवाइस में होगा। गैलेक्सी एसेट के इंडियन यूजर्स को डिवाइस के साथ स्नैपड्रैगन 835 प्रोसेसर का एक्सपीरियंस शायद नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये थे सैमसंग गैलेक्सी एसेट व एसेट प्लस के कुछ डिसअपॉइंटिंग फीचर्स। हमें लगता है सैमसंग को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए था। बाकी ओवरऑल ये डिवाइसेस अच्छे हैं, प्रॉमिसिंग है और डिज़ाइन में भी फ्यूचरिस्टिक हैं, और ये 21 अप्रैल से सेल के लिए अवेलेबल होंगे। आप चाहें तो इन्हें प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया।